नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल शुक्रवार को अपने तय समय के करीब एक घंटे देरी से पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम प्रचंड का महाकाल लोक के नंदी द्वार पर भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित महापौर मुकेश टटवाल ने पीएम को पुष्प और शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। नेपाल के प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री प्रचंड महाकाल लोक को देखने के बाद ई कार्ट से मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने महानिर्वाणी अखाड़े में धोती सौला पहनकर गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह में प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल ने भी दर्शन किए। महाकाल मंदिर के घनश्याम पुजारी ने पंचामृत अभिषेक पूजन कराया। इस दौरान प्रचंड ने भगवान महाकाल को नेपाल से लाई गई रुद्राक्ष की माला अर्पित कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर समिति की ओर से पीएम का शॉल, श्रीफल और भगवान महाकाल की फोटो भेंट कर सम्मान किया गया। बाबा महाकाल के दरबार में नेपाल के प्रधानमंत्री जी अपने परिवार के साथ एवं नेपाल के कुछ जो धर्म आस्था और सामूहिक जो दल था उनके साथ यहाँ उतारे। उन्होंने सबसे पहले भगवान महाकाल की पूजन अर्चन की, भगवान महाकाल पे दूध जल अर्पण किया, भगवान महाकाल पे नेपाल से विशेष रूप से लाए हुए रुद्राक्ष बाबा महाकाल पे अर्पण करें एवं नेपाल की राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना करी। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध मधुर हो और दोनों देशों के अंदर, क्योंकि दोनों ही एक तरह से देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होने के कारण उन्होंने यहाँ पर आकर बाबा महाकाल से प्रार्थना की है राष्ट्र की सुख समृद्धि बढ़े, और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में रुद्राक्ष अर्पण किए। रुद्राक्ष चढ़ाने का क्या महत्व और क्या? देखिए, रुद्राक्ष का अर्थ ये कि भगवान शिव का सबसे प्रिय जो फल है वो रुद्राक्ष होता है। भगवान महाकाल के दरबार में जो फल रुद्राक्ष चढ़ाया जाता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। वो सामान्यतः रुद्राक्ष जो है नेपाल में सबसे शुद्ध और सबसे अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए नेपाल का रुद्राक्ष चढ़ाने का बड़ा महत्व है।